सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की छानबीन कर रही एजेंसी एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर रही हैं, जिसमें हाई सोसाइटी के कई जाने माने लोग और ड्रग सप्लायर्स शामिल रहे हैं। एनसीबी ने कहा कि ड्रग का सेवन करने के मामले में रिया चक्रवर्ती अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को बढ़ावा देने की आरोपी हैं। एजेंसी ने बताया, पूरी कहानी को देखते हुए यह सामने आता है कि रिया चक्रवर्ती इस बात से अवगत थीं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग का सेवन करते थे और इस दौरान न केवल उन्हें ऐसा करने का बढ़ावा दिया गया बल्कि उनसे पूरी बात भी छुपाई गई। ये सुशांत की मौत में रिया की भूमिका के बारे में अब तक का सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक रिपोर्ट में रिया ने बयान दिया है कि उन्हें सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को उन ड्रग्स के पैसे चुकाए हैं जिन्हें बाद में सुशांत को सेवन के लिए दिया गया था। एनसीबी ने कहा कि यह साफ है कि जिन ड्रग्स के लिए पैसे चुकाए गए थे वे निजी उपयोग के लिए नहीं थे बल्कि ऐसा किसी और को इनकी आपूर्ति कराए जाने के लिए किया गया है और यह NDPS 1985 की धारा 27A के तहत आता है। एनसीबी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और अगर इस वक्त रिया को जमानत मिल जाती है तो इससे छानबीन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। एनसीबी ने कहा कि रिया मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रही हैं। यह साबित करने के लिए उनको बहुत सारे सबूत भी मिल चुके हैं। वो ड्रग पहुंचाने के काम में ना सिर्फ मदद करती थी बल्कि क्रेडिट कार्ड, नगद और ऐसे कई माध्यमों से उनका भुगतान भी करती थी। एजेंसी ने आगे कहा कि रिया अपने घर पर ड्रग्स को रखने और सुशांत को सेवन करने की भी अनुमति दे रखी थी। एनसीबी ने कहा कि मामला अब NDPS के तहत भी आता है और इसलिए अब इस पर उनका भी अधिकार रहेगा, यानी कि अब एनसीबी के साथ साथ NDPS भी इस मामले की तहकीकात करेगी। खैर, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले।